हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू हम किसी भी त्यौहार में या बिना त्यौहार के भी, जब भी हमें मीठा खाने की इच्छा हो तो हम इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे बेसन 250 ग्राम, घी 250 ग्राम, और ये मैंने लिया है तगार यानी चीनी का बूरा, जो हम घर पर भी बना सकते हैं। ये मार्केट में भी मिलता है। मैंने इसका वीडियो पहले ही डाल रखा है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। हम बेसन को पहले छान लेंगे। मैंने छान के लिया है। आप जब बनाएं तो पहले बेसन को छान के लें। और इसे एकदम मीडियम आंच पर हम इसे सेकेंगे। इसमें हम घी डालेंगे 200 ग्राम। थोड़ा घी हम बचा लेंगे क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर हम इसे भूनेंगे। बेसन अच्छी तरह से भून गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ये पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मैंने पतला वाला बेसन लिया था, तो पानी डालने से इसमें दरदरापन आ जाता है, जैसे मार्केट में आप लोग खाते हैं बेसन दरदरा रहता है, तो ये पानी डालने से ही होता है। मैंने इसमें पानी डाल दिया और थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे। जब तक हमारा पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। आप अगर चाहते हैं कि ये पीले कलर में हो तो फिर आप इसमें फूड कलर मिक्स कर सकते हैं। जो पानी आप इसमें डालेंगे उसमें थोड़ा सा फूड कलर डालकर आप उसी पानी को इसमें छिड़क दीजिए और इसे भून लीजिए, तो आपका बेसन जो है पीले कलर में हो जाएगा और लड्डू एकदम पीले हो जाएंगे। और अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे जिससे कि इसका पानी जो हमने डाला था वो पूरी तरह से सूख जाए। बेसन में दरदरापन आ गया है। ये पानी इसका सूख गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसे टच कर सकें और हमें मतलब जलन ना हो, हाथ में गर्मी ना लगे, हमें इसे आराम से पकड़कर बांध सके लड्डू इसके, तो हम इतना ही ठंडा होने देंगे। हम ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं होने देंगे, नहीं तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो हम इसे मतलब गर्म रहना चाहिए, पर इतना गर्म रहना चाहिए कि हमारा हाथ इसे टच कर सके और इसमें जले ना। बेसन हमारा हल्का ठंडा हो गया है, ये हाथ से छूने लायक हो गया है। ये अभी गर्म है, लेकिन इतना गर्म है कि मैं अपने हाथ से इसे छू सकती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे तगार, जो कि शक्कर से बनी होती है। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता या तरबूज के बीज, जो भी आप डालें उसे थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हैं तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी इलायची। मैंने शक्कर के साथ थोड़ी इलायची पीस रखी है क्योंकि थोड़ी इलायची पीस मिक्सी में पीस नहीं पाती है, इसलिए मैंने थोड़ी शक्कर में इलायची पाउडर डाल के पीस लिया है, तो इसका टेस्ट जो है पूरे लड्डुओं में बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। अगर आपको लगे कि घी कम लग रहा है या बन नहीं रहे हैं, सूखा लगे थोड़ा, तो आप इसमें घी मिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं लगता तो आप ऐसे ही बांध दीजिए। लड्डू आप अपनी मर्जी के साइज़ का, जैसा भी आप चाहते हैं, बड़ा छोटा वैसा बांध सकते हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। हम दोनों हाथों से लड्डुओं को बना लेंगे।
आप चाहे तो एक हाथ से भी बना सकते हैं, और अगर आप दोनों हाथों से बना सकते हैं तो दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इससे जल्दी हो जाता है, लड्डू भी आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए, बेसन के लड्डू तैयार हैं। आप इन्हें बनाते समय सारी बातों का ख्याल रखें, जिससे आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बने। और इसमें भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ज़रूर सुखा लें, जिससे बेसन दानेदार हो जाएगा और आपके लड्डू बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।